को खाली करेगा वही इनाम की राशि लेकर जाएगा। तो प्रमोद पूरी तरह से अपने एक्सल पावर पे आ चुके हैं और राजू अभी तंदूरी को एक एक बाइट करके खा। राइजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अंडा करी और तंदूरी रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है अंडा करी और तंदूरी रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंडा करी और तंदूरी रोटी लगी हुई है। आज हमारा अंडा करी तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में दो चैलेंजर बैठ चुके हैं, प्रमोद जी और राजू जी। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 500 रुपए की राशि लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी और तंदूरी खाने के इस चैलेंज में दो महायोद्धा बैठ चुके हैं। एक तरफ है प्रमोद और एक तरफ है राजू। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके इनाम की राशि कौन लेकर जाते हैं। तो देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए भैया। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। कितने समय में इस चैलेंज को कम्प्लीट करके 500 रुपए की राशि कौन लेकर के जाता है। बात गजब। अगर 500 रुपए लेना है तो सबसे पहले इस थाली को खाली करना होगा। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही इनाम की राशि लेकर जाएगा। तो प्रमोद पूरी तरह से अपने एक्सल पावर पे आ चुके हैं और राजू अभी तंदूरी को एक एक बाइट करके खा रहे हैं। लेकिन प्रमोद जी जब तक राजू एक बाइट करते हैं प्रमोद जी दो बाइट मार लेते हैं। तो देखना है कि प्रमोद राजू को हराते हैं, राजू प्रमोद को हराते हैं, कौन किसको हराता है अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और ये देखिए प्रमोद पूरी तरह से मसलना चालू कर दिए हैं तंदूरी को और देखते हैं कितनी एक्सल पावर लगाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कम्प्लीट करके 500 रुपए की राशि लेके जाते हैं। मतलब इस समय जो सबसे पहले यहाँ पर विजेता कहलाएगा वही 500 रुपए लेकर जाएगा। तो भैया दौड़ लीजिए इस चैलेंज वाले रेस में, पहुंच जाइए मंजिल पर जहां आपको 500 रुपए का इंतजार है और 500 रुपए आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता कौन है, राजू पहुंचते हैं या फिर प्रमोद। और देखते हैं कितनी साहस लगाते हैं और कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो सिर्फ अंडा करी और तंदूरी रोटी खा करके जाते हैं, कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो इनाम की राशि साथ में लेकर के जाते हैं। बहुत गजब। और देखना है कि इस चैलेंज में कौन कितना साहस दिखाता है, कौन कितना हिम्मत दिखाता है। और हिम्मत और साहस दोनों चीज लगा चुके हैं दोनों चैलेंजर और लगा चुके हैं ट्रिक भी। जो ट्रिक चाहिए था तंदूरी को मसलना चाहिए था तो मसलना चालू कर दिए हैं प्रमोद जी और तंदूरी की पूरी तरह से नस तोड़ना चालू कर दिए हैं प्रमोद जी। तो राजू क्या ट्रिक लगाना चाहते हैं, लगा दिए हैं अपने हिसाब से। दोनों लोग अपना अपना ट्रिक लगा के बैठे हैं। तो देखना है किसकी ट्रिक किसके ऊपर भारी पड़ती है। और 1 मिनट 45 सेकंड में दो तंदूरी दोनों लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखते हैं कितने समय में 5 तंदूरी कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत है। और राजू जी थोड़ा भरत बनाना चालू कर दिए हैं। तो इस भरत बनाने के उम्मीद में राजू जी दौड़ भी लगाना चालू कर दिए हैं मंजिल की ओर। और मंजिल पर प्रमोद पहुंचते हैं, राजू पहुंचते हैं, दोनों लोग पूरी तरह से घमासान युद्ध कर रहे हैं इस अंडा करी और तंदूरी से। और देखते हैं कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, क्या लड़ पाते हैं नहीं। बहुत गजब। और इस समय तंदूरी को छोड़ के पूरी तरह से सलाद और अंडे पे जुड़ चुके हैं राजू। प्रमोद के थाली में 3 अंडा और राजू के थाली में 4 अंडा 2 तंदूरी, जबकि प्रमोद के थाली में अभी भी लगभग 3.25 तंदूरी बची हुई है। तो तंदूरी को पूरी तरह से तोड़ना चालू कर दिए हैं और इस समय देखना है कि उस तंदूरी को कितने मिनट कितने सेकेंड पर समाप्त करते हैं। अगर थोड़ा सा स्पीड नहीं दिखाएंगे प्रमोद जी तो राजू इनको पछाड़ देंगे और इनाम की राशि राजू के पल्ले चली जाएगी। तो देखते हैं कितनी साहस राजू जी लगाते हैं आज, क्या विन कर पाते हैं, प्रमोद जी को पीछे कर पाते हैं नहीं। और प्रमोद जी भी फुल साहस में बैठे हैं तो देखते हैं आज राजू जी को पीछे कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कोशिश है। और 3 मिनट का टाइमर समय तय कर चुका है तो इन लोगों की 3 तंदूरी से ज्यादा कंप्लीट भी हो चुकी है। बहुत गजब। और बहुत ही गजब तरीके से राजू जो बढ़त बनाए हैं तो बढ़त बनाते चले जा रहे हैं और यही बढ़त इनको चाहिए भी थी। अगर यहाँ पर दमखम दिखाएंगे तभी आगे जा पाएंगे, नहीं तो प्रमोद तो है ही। और यहाँ पर राजू जी अपना करिश्मा दिखाना चालू कर दिए हैं। राजू जी तंदूरी से आगे हैं तो प्रमोद जी अंडा भी काफी गायब कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि उनके पास 2 ही अंडा बचा हुआ है और राजू के पास 3 अंडा बचा हुआ है। अंडा मात्र मसलन की बात है, मसलते ही अंडा गायब हो जाएगा। लेकिन तंदूरी काफी हद तक की भारी है तो देखना है कि यह भारी भारी होता है या हल्का ही रह जाता है। अंडा फूटते ही विस्फोट हो जाएगा। हाँ बहुत गजब। और इस समय प्रमोद पूरी तरह से अंडे पर जुटे हुए हैं। अभी जो इनके थाली में रखा हुआ है ऐसा लग रहा है कि 2 अंडा बचा हुआ है लेकिन 1.5 अंडा है।
तो देखना है कि डेढ़ अंडा तीन अंडा पे भारी होता है या तीन अंडा डेढ़ अंडा पे भारी होता है। हमको लग रहा है अभी राजू जी 60% विन करने वाले हैं। बहुत गजब। और इस समय और आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि राजू जी विन करने वाले हैं प्रमोद जी चैलेंज में। और यहाँ पर जो साहस चाहिए था वो साहस प्रमोद भी लगाए हैं, लेकिन स्पीड थोड़ा सा स्लो दिखाए हैं, इसलिए राजू से थोड़ा पीछे होते नजर आए हैं। और यहाँ पर राजू के थाली में मात्र एक तंदूरी बची हुई है और दो अंडे बचे हुए हैं, तो दो पीस सलाद के भी बचे हुए हैं। तो देखना है कि ये क्या कमाल करते हैं, कितने मिनट कितने सेकंड पे प्रमोद को पीछे करते हैं और पीछे कर भी पाते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है प्रमोद जी राजू जी को पीछे कर पाएंगे, क्योंकि तंदूरी को ऊपर नीचे घास दिए हैं। बहुत गजब। अब तंदूरी को पूरी तरह से तोड़ना चालू करिए, यही आप कमाल पहले से ही करना चाहिए था। ट्रिक तो पहले से ही प्रमोद लगाए थे, लेकिन क्या प्रमोद जी, लेकिन ये जो है थोड़ा सा स्पीड कम दिखा पाए। और यहाँ पर राजू स्पीड के माने में जब आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक का स्पीड पकड़ लेते हैं। और राजू लगभग लगभग आज बढ़त बनाए हैं तो बनाते ही चले जा रहे हैं, और लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि चैलेंज इनके हिस्से में आता नजर आ रहा है। तो देखते हैं बढ़त बनाए हैं तो उसको बढ़त को कायम रख पाते हैं नहीं, या फिर चैलेंज में पीछे हो जाते हैं। लास्ट तंदूरी उठ गई है राजू की, और दो अंडा बचा हुआ है, एक तंदूरी बची हुई है। तो देखना है कि यह दो अंडा खाकर इनाम की राशि लेकर जाते हैं कि प्रमोद ही लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और मसाले को बिल्कुल इकट्ठा कर लिए हैं और अंडा गायब हो रहा है फटाफट। तो देखते हैं कितने साहस लगाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। और इस समय प्रमोद की जो मशीन है वो स्लो गति पकड़ ली है, सोच रहे हैं कि अब हम आगे जा नहीं पाएंगे तो आराम से खा ही लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आराम से खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राजू जो स्पीड पकड़े थे, राजू की भी स्पीड थोड़ा सा डाउन होती नजर आ रही है। और 6 मिनट 6 सेकंड में अभी तक ये पूरी तरह से चैलेंज में जुटे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और राजू जी जो साहस लगाते हैं वो बहुत बढ़िया लगाते हैं। और आधे तंदूरी प्रमोद जी भी फुल साहस लगा दिए हैं, वो हौसला लगाए हैं, जो देखते हैं राजू जी को पीछे कर पाते हैं नहीं। और फुल पावर में आ चुके हैं प्रमोद जी, और ये इकट्ठा कर लिए हैं। बहुत गजब। और यही काम अगर पहले किए होते तो हो सकता था कि तंदूरी इनके अंदर गई होती अंगूरी बनने के लिए, लेकिन अब लास्ट चल रहा है प्रमोद जी को देख करके और पावर में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और देखते हैं क्या साहस दिखाते हैं राजू जी आज विन कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और जो साहस लगाए हैं उस साहस को बरकरार रख पाते हैं नहीं। और लगभग देखते ही देखते पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं राजू जी, 2-3 गिलास तो पी ही जाते हैं जब भी चैलेंज बैठते हैं। अब पानी की वजह से हमको लग रहा है पीछे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। राजू को पीछे करना प्रमोद के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से इनके शरीर में जो उतावलापन था उस उतावलेपन को पीछे छोड़ते नजर आए हैं प्रमोद जी। और राजू जी जो हिम्मत लगाए थे शुरू में उस हिम्मत को बरकरार रखे, और लगभग लगभग ये लास्ट बाइट से जीत हासिल करने वाले हैं। और तंदूरी गायब कर दिए हैं, अभी अंडा बचा हुआ है, अंडा इनका निर्णायक होगा और यही इनको इनाम की राशि दिलाने वाला है। तो प्रमोद जी देख करके राजू जी को थोड़ा सा ठंडे पड़ गए, क्योंकि सोच रहे हैं कोशिश करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा वो हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो राजू जी अभी आखिरी अंडा देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं, और प्रमोद जी ना बोल चुके हैं। तो इस चैलेंज में प्रमोद जी धार तलवार अपनी रख चुके हैं, और राजू जी गोली बाजी अंडे की गोली निकाल लिए हैं बाहर, गोली गायब कर दिए हैं, तो इस चैलेंज में विन भी कर चुके हैं। तो राजू जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। अंडा करी तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज में ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। राजू जी विन कर चुके हैं तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी और तंदूरी रोटी खाने के चैलेंज में आज राजू बहुत ही गजब का साहस दिखाए, जैसे ही चालू किए वैसे पूरी हिम्मत और पूरा साहस लगाकर बैठ गए और चालू कर दिए मशीन, तो चालू ही रही और अंततः जीत हासिल कर लिए। भैया प्रमोद जी थोड़ी सी एक्सल पावर लगाए थे, लेकिन एंड टाइम में थोड़ा सा पीछे रह गए, तो प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अंडा करी और तंदूरी रोटी बढ़िया था, तीखा ज्यादा तो नहीं था? नहीं नहीं तीखा था। तो गर्मी की वजह से तीखा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
तीखे की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है चैलेंजरों को, तो फिर भी ये लोग आए, साहस दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।